आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आज जो एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन हुए उसमें किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, इसका लेवल कैसे थे, हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे, भारी क्वेश्चन पूछे गए, इजी क्वेश्चन पूछे गए थे या आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्या करंट अफेयर से क्वेश्चन आए थे, तो आए थे तो कितने क्वेश्चन आए थे, तो इन सारे बातों की जानकारी हम इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाले। तो दोस्तों एसएससी एमटीएस के आज जो है आज पूछे गए कुछ सवालों के जवाब हम आप सभी के पास यहाँ पर लाइव टेलीकास्ट करने वाले, जो कि आप सभी काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो इंतज़ार अब ना करें, इंतज़ार की घड़ियाँ हो चुकी है ख़त्म, क्योंकि यहाँ पर हम आप सभी के पास शेयर करने वाले उन सारे क्वेश्चनों को जो आज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो दोस्तों आपको बता दें कि आज का जो लेवल थे, आज का लेवल थे ना ही इजी क्वेश्चन थे और ना ही हार्ड क्वेश्चन थे, यानी कि मीडियम में क्वेश्चन पूछे गए थे, कोई भी बच्चे जो है आराम से कम जो है कम से कम 65 से लेकर 75 क्वेश्चन तक बना सकते थे, 65 से लेकर 75 क्वेश्चन तक का आराम से सॉर्ट आउट कर सकते थे। तो दोस्तों आपने कितने क्वेश्चन बनाए नीचे कमेंट लिखकर आप ज़रूर बताइए कि आप जो है कितने क्वेश्चन टोटल बना के आए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बात करने के बाद जो है यही उनका आंकड़ा रहा 65 से लेकर 75 तक। अब अपना अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि हम भी जान पाएँ कि आप सभी के एग्जामिनेशन जो है कैसे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आज 8 अगस्त है जैसे कि आप सभी को पता है, और फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। अब फर्स्ट शिफ्ट के कंप्लीट होने के बाद जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप सभी के पास यहाँ पर प्रस्तुत करने वाले। आइए दोस्तों देखते हैं कि वन बाय वन करके समझते हैं और समझाने का अब कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही जल्दी आ रहे हैं, जैसे कि आप सभी के स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन जैसे कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, आपका पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर मौजूद हो चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है कहाँ से पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछे गए थे दोस्तों यहाँ से खिलाड़ी से पूछे गए थे, ये क्वेश्चन जो अक्सर रिपीटेड कर रहे हैं, यहाँ पर पूछे गए थे डॉन ब्रेडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय विख्याता प्राप्त की है। तो खेल वाले से दोस्तों आप जरूर से जरूर पढ़कर जाएंगे कि हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं जो खेल वाले क्वेश्चन, वो हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो ब्रेडमैन जो है वो जो है इंटरनेशनल विख्याति थे, वो क्रिकेट के विख्याति थे, किस खेल के, क्रिकेट के विख्याति थे, याद रखिएगा क्रिकेट के विख्याति थे। इसमें कुछ और क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पूछे जाएंगे कि ये जो यहाँ पर आपने देखे ड्रोन जो है ब्रेडमैन ये कहाँ के थे। तो ये अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं दोस्तों तो आप उसका जवाब दीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर खिलाड़ी थे, कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा नाम को ऑस्ट्रेलिया। अगर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको कुछ एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं ताकि आपसे पूछे जाएंगे, तो इसको याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के थे। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आप सभी के एसएससी एमटीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आए थे कि झांसी की जो रानी है किसने लिखा है, झांसी की रानी जो है किसने लिखा है। तो यहाँ पर लिखा था वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा था, किसने लिखा था, वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखा था, याद रखिएगा। अब इसमें पूछा जा सकता है कि झांसी की रानी का जो उपन्यास थे वो सबसे पहले प्रकाशन कब आया था। तो इसका सबसे फर्स्ट में 1946 में इसका प्रकाशित किए गए थे, कब किए गए थे, 1946 में। अब इसमें पूछे जाएंगे कि झांसी की रानी में किसकी उल्लेखना की गई है, तो रानी लक्ष्मीबाई की, याद रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई की, उसके बारे में वहाँ पर विख्याता की गई, उसमें उसी में चर्चा की गई है। इस तीन क्वेश्चन यहाँ पर बने, पहले झांसी की रानी किसने लिखी है, और दूसरा क्वेश्चन बने कि इसका प्रकाशन फर्स्ट प्रकाशन कब आया था 1946 में, और इसमें किस प्रकार से विख्यात है। तो इस प्रकार से अगर आपको आने वाले शिफ्ट में अगर क्वेश्चन पूछे जाएं तो जरूर से जरूर आप जवाब दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पर पूछे गए थे कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। तो पहली भारतीय जो महिला थी वो कमलजीत संधू थी, कौन थी, कमलजीत संधू, याद रखिएगा। और इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आइए कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप सभी के पास चर्चा करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले पूछे जाएंगे कि ये जो है स्वर्ण पदक जो है किस लिए दिए जाते हैं। तो गैर सैन्य क्षेत्र में
उच्चतम उपलब्धि के लिए सम्मानित किया जाता है। याद रखिए गैर सैन्य क्षेत्र के में जब उच्च उपलब्धियां प्राप्त की जाती तब उसे स्वर्ण पदक दी जाती, इसको याद रखिएगा। अब सबसे दूसरा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसे स्वर्ण पदक क्यों कहा जाता है? ठीक है, स्वर्ण पदक क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्पादन के समय इसमें मिश्र धातु या परत के रूप में स्वर्ण का उपयोग किया जाता है। स्वर्ण मतलब क्या होता है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड का प्रयोग किया जाता है, सोना का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण इसके स्वर्ण पदक कहते हैं। इसका जो मेटल बनते हैं, ठीक है, मिश्र धातु या परत के रूप से बनाए जाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पूछे जाएंगे कि स्वर्ण पदक किसके, स्वर्ण पदक को स्वर्ण पदक क्यों कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शंस में रहेंगे स्व, क्योंकि इसमें जो मिश्र धातु गोल्ड मिलाया जाता है, इस प्रकार से इसमें मिश्र धातु चांदी मिलाया जाता है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे स्वर्ण पदक से जितने भी क्वेश्चन बन पाए वे सारे क्वेश्चन मैंने आप सभी के पास सॉर्ट आउट करवा दी। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछे गए थे यहाँ पर, बंगाल को मुगल साम्राज्य के से पृथक पृथक कर स्वतंत्रता किया था, किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होंगे मुर्शिद कुली खान ने, किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने, ये क्वेश्चन पूछे गए थे। अब कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इससे क्वेश्चन बन पाएंगे। तो दोस्तों इससे क्वेश्चन एक क्वेश्चन बन पाएंगे कि मुगल साम्राज्य जो है कब शुरू हुआ था? तो मुगल साम्राज्य शुरू हुआ था 1526 ईस्वी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1526 में, याद रखिएगा इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा, क्योंकि यहाँ पर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि बंगाल से पूछे गए हैं, बंगाल को मुगल साम्राज्य से, तो मुगल साम्राज्य से जरूर एक ना एक क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में पूछे जाएंगे। इसके कारण हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन अपने से बता दे रहे हैं ताकि आपको आने वाले शिफ्ट में हेल्पफुल मिल जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की हाल ही में अस्थायी सदस्यता ग्रहण की, किसने ग्रहण की थी? तो ये जो कही थी दक्षिण अफ्रीका में की थी। कहाँ पर की थी दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में की थी। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते जो कि आज के एग्जामिनेशन में पूछे गए थे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं कि सर्वाधिक स्थिर या निष्क्रिय परमाणुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक की संख्या डॉट डॉट होती, मतलब कितनी होती? तो इलेक्ट्रॉनिक की संख्या याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितने होते? 8 होते, 8। इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, याद रखिएगा इसकी सही संख्या 8 है। आइए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास धारा किस महासागर में बहती है? तो अगुलहास जो धारा होती है वो हिंद महासागर में बहती, कहाँ बहती है दोस्तों? हिंद महासागर में, याद रखिएगा हिंद महासागर में बहती। अब इससे कुछ और क्वेश्चन बन पाएंगे जो आने वाले शिफ्ट में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इससे पूछे जा सकते हैं कि विश्व की पश्चिमी सीमा धाराओं में सबसे बड़ी धारा है, ठीक है, ये जो धारा आपसे हम पूछेगी है, इसमें जो पूछेगी अगुलहास जो है धारा, ये विश्व की पश्चिमी सीमा धाराओं में सबसे बड़ी धारा है, इसमें पूछे जा सकते हैं। सबसे विश्व, बताइए जी, विश्व पश्चिमी धारा में सबसे बड़ी धाराएं कौन सी? तो इसका नाम आप ले सकते हैं, अगुलहास का नाम ले सकते हैं। अब ये जलधारा कैसी होती? तो ये जो जलधारा गर्म जलधारा है। पूछे जाएंगे कि आपसे यह धाराएं किस टाइप का धाराएं, ठंडी जलधाराएं, गर्म जलधाराएं, तो आप इसका आंसर दीजिएगा गर्म जलधाराएं। आई होप आप सभी समझ चुके होंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम क्यों दे रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए कि हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद त्वचा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? तो ये कार्य करती शरीर के ऊष्मा के लिए, किसके लिए कार्य करती? शरीर के लिए ऊष्मा के लिए, इस चीज को खास आप ख्याल रखिएगा, ठीक है, शरीर के ऊष्मा के नुकसान करने के लिए इसका कार्य करती है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद त्वचा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर के ऊष्मा के नुकसान के लिए। आइए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? तो ये जो होती है सूती से, सूती में जो है बहुत ही कम मात्रा में, इसीलिए जब कभी भी कोई व्यक्ति आग में अगर झुलस जाते तो उससे क्या कीजिए, सूती कपड़ा से उसको लपेट दीजिए, तो वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि वो जो है वो क्या हो गई, आग जो है बुझ जाएंगे। सूती कपड़ा से लपेटने से क्या होता है, हवा जो होते हैं उसको बंद कर दिए जाते हैं, जिसके कारण आग क्या हो जाते, बुझ जाते हैं।
तो इसीलिए जहाँ पर आग तभी जलेगी जब उसको हवा के संपर्क में आएंगे। इससे कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर बन पाएंगे, आइए यहाँ पर जो है आपको बताते हैं। यहाँ पर बता दें आग जो है चार प्रकार की होती है। पहला जो है जनरल फायर, कोयला, कपड़ा, कागज की आग इस श्रेणी में आते हैं। इसे पानी और CO2 ST गाइजर गाइजर यानी अग्निशामक से बुझा सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर कहीं पर कोयला से आग लगे हुए या कपड़ा में आग लगी या कागज में, तो उसको हम लोग किससे बुझाते हैं? तो उसको बुझाने के लिए पानी से बुझा सकते हैं या CO2 से आप बुझा सकते हैं। इस चीज को खास ख्याल रखिए। दूसरा क्वेश्चन इसमें एक पूछ सकता है कि दूसरा जो तेल की आग जैसे डीजल में लग जाते हैं, पेट्रोल में लग जाते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। इसे DCP ST गाइजर एवं फोम ST गाइजर से बुझाया जाता है। याद रखिएगा, अगर कोई कहीं पर डीजल से या पेट्रोल से अगर आग लगती है तो उसको किस लिए किससे बुझाया जाएंगे? तो DCP से बुझाया जाएंगे और फोम से बुझाया जाएंगे। इस चीज़ को आप खास ख्याल रखिए। ये सब जितने भी नाम बता रहे हैं आग से रिलेटेड है, आपको आने वाले एग्जामिनेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, रासायनिक एवं बिजली आग आग शॉर्ट सर्किट और बिजली से लगी आग इस श्रेणी में आते हैं। यानी कि किसी केमिकल से लग जाते हैं आग, या कभी कभी शॉर्ट सर्किट से अगर आग लग जाते हैं, तो उसे हम लोग DCP एवं CO2 से हम लोग क्या कर सकते हैं? बुझा सकते हैं। धातु आग किसी भी धातु में आग धातु में लगी आग इस श्रेणी में आते हैं। मतलब किसी भी प्रकार का कोई मेटल में अगर आग लग जाते हैं, कोई किसी भी प्रकार का कोई धातु में कोई धातु में अगर आग लग जाते हैं, तो इसे जो है DCP CO2, ठीक है, याद रखिएगा, DCP CO2 ST गाइजर से बुझाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमने चार पांच प्रकार का आग से रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहाँ पर हमने जिक्र किया। इन सारे क्वेश्चन को आप जरूर देखिएगा दोस्तों, आगे में आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे कि पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है। क्या होता है मेनिस्कस? जो होता है वो कैसा होता है? वो उत्तल की भांति होता है। कैसा होता है दोस्तों? उत्तल की भांति होता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन का सेक्शन जो यहीं पर रहा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी आपके पास प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। ये पार्ट कैसे लगे नीचे कमेंट लिखकर जरूर बताइएगा, और अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें, वेल का आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, ताकि आने वाला हर शिफ्ट का एग्जामिनेशन का वीडियो आप आसानी से देख पाएं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।